हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं एलसी मीणा स्वागत करता हूं आज के ज्योग्राफी के टॉपिक में। हम भारत की ज्योग्राफी में सामान्य परिचय में भारत के नाम, भारत के आकार, आकृति, विस्तार, राज्य और राजधानियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज भारतीय ज्योग्राफी का ये तीसरा टॉपिक है। इस टॉपिक में हम भारत की प्रमुख सीमाएँ, स्थलीय सीमा, तटीय सीमा, समुद्री सीमा, कौन कौन से देश है जिनके साथ भारत की सीमाएं लगती है, इसका अध्ययन करेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, समय ना गंवाते हुए जैसा कि हमारा एक विजन है उसको लेकर हम चल रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। भारत की सीमाएं, ये भारत का मानचित्र है, बनाया हुआ है। इसमें ये जो रेड कलर से मैंने बनाए हैं, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सीमा लगती है इस भाग से। ये इस भाग से अफगानिस्तान की थोड़ी सी सीमा लगती है। नीले कलर से जो बनाया हुआ है, यह चाइना की सीमा लगती है। इसके बाद में इधर ये नेपाल, ये भूटान, ये बांग्लादेश और ये म्यांमार, इनके बारे में आज हम एक ट्रिक्स, डिटेल और लॉजिक के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सीमाएं। किसी भी देश की जो सीमाएं होती है वो दो प्रकार की होती है। कोई भी जो देश है उसकी सीमा या तो किसी अन्य देश के साथ लगती होगी या किसी महासागर या सागर के साथ लगती होगी। अन्य देश के साथ जो सीमाएं लगती है उसे स्थलीय सीमा बोलते हैं, और महासागर या सागर के साथ या जल के साथ जो सीमाएं लगती है उसे तटीय सीमा बोलते हैं। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि सीमाएं कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। नंबर एक कौन सी है, स्थलीय सीमा। नंबर दो सीमा कौन सी है, जलीय। जलीय सीमा को आप तटीय सीमा भी बोल सकते हैं, जलीय या तटीय। स्थलीय, जलीय या तटीय। तो मैं ये कह सकता हूँ कि गुजरात में ये स्थान है, यहाँ पे गुजरात, यहाँ से जलीय सीमा प्रारंभ होती है, अर्थात तटीय सीमा प्रारंभ होती है जो यहाँ पश्चिम बंगाल तक जाती है। गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक समुद्र के साथ सीमा बनती है, अर्थात तटीय सीमा बनती है। तो हमारी जलीय सीमा या जो तटीय सीमा है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, गुजरात से पश्चिमी बंगाल तक। इसी प्रकार से स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा सीधा बना देता हूँ मैं, गुजरात से प्रारंभ होती है और वही कहाँ तक जाती है, पश्चिमी बंगाल तक। तो ये भी कहाँ से है, गुजरात टू वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल तक। स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई की बात करेंगे तो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर या 15,200 किलोमीटर। कौन सी सीमा है, स्थलीय सीमा। तटीय सीमा की बात करें जो मुख्य भाग, ये मुख्य भाग की तटीय सीमा है। इसके अलावा ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इनकी भी, ये लक्षद्वीप है यहाँ पे, तो इनकी भी सीमा होती है। सबसे पहले जो मुख्य भाग के जो नौ राज्य है इनके साथ जो तटीय सीमा बनाते हैं वो तटीय सीमा। तो मुख्य भूमि की तटरेखा, किसकी, मुख्य, ऐसे प्रश्न आएंगे, मुख्य भूमि की तटरेखा की जो लंबाई है वो आप ऐसे याद करोगे, यहाँ पे हमने लिखा 15,200, तो आप ऐसे करना 5 और 1 कितने होते हैं, 6, 200 का आधा कितना होता है, 6,100 किलोमीटर, आराम से याद हो जाएगी। 15,200 था, 5 और 1 6, 200 का आधा 100, ऐसे करके याद कर लेना। ये तो है मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई। इसके बाद में ये आपकी
स्थलीय सीमा होगी। अब कहते हैं हम, या तो आप लिख सकते हो यहां पे द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा, द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा कितनी लगती है, तो यहां पे है 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर द्वीपों सहित। तो कुल तटीय सीमा कितनी हो गई, 7516 किलोमीटर। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो कितनी थी 6100। द्वीपों सहित जो तटीय सीमा है वो 7516 है और स्थलीय सीमा कितनी है 15200। अगर हम इनको जोड़ दें तो भारत की अगर सीमा की बात करें, कुल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, किसकी बात कर रहे हैं, भारत की कुल सीमा 22,716.6 किलोमीटर है। क्योंकि यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है, 0.6 किलोमीटर। तो ये टोटल हो गई आपकी कितनी, भारत की जो कुल सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, 22,716, पूरी टोटल सीमा की बात कर रहे हैं। तटीय सीमा पहले फिनिश कर लेते हैं। तटीय सीमा गुजरात से प्रारंभ होती है, पश्चिम बंगाल तक जाती है। तटीय सीमा पर जो राज्य है उन राज्यों की संख्या 9 है। देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। सबसे पहले है गुजरात, उसके बाद में है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से अगर हम बात करें कितने हैं, 9। इन 9 में से सर्वाधिक सीमा कौन सी सीमा, तटीय सीमा। सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला अगर राज्य पूछा जाता है तो उत्तर आएगा गुजरात। कौन सा राज्य है, गुजरात। कितनी है सीमा, 1416 किलोमीटर, 1416 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला ये फर्स्ट था। सेकंड पे है आंध्र प्रदेश। अब हम कह सकते हैं सीमाद्र, किसे बोल सकते हैं सीमाद्र, लगभग मतलब हम ये कह सकते हैं अब सीमाद्र इतना है ये, क्योंकि तेलंगाना आगे रह गया। तो दूसरे नंबर पर सर्वाधिक सीमा बनाने वाला कौन सा है, अब भी आंध्र प्रदेश यानी सीमाद्र ही है। प्रश्न दूसरी प्रकार से पूछा जा सकता है, अगर पूछा जाता है कौन सा राज्य सर्वाधिक तटीय सीमा बनाता है तो गुजरात बनाता है, कौन सा राज्य दूसरे नंबर की सर्वाधिक तटीय सीमा बनाता है तो आंध्र प्रदेश बनाता है। इसके अलावा अगर ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से सर्वाधिक तटीय सीमा बनाता है तो फिर सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला कौन सा है, सर्वाधिक तटीय सीमा बनाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, और ये क्या बनाता है, सर्वाधिक सीमा बनाता है। इसके बाद में
ये तो थी हमारे तटरेखा से संबंधित। अब तटरेखा में न्यूनतम सीमा बनाने वाला कौन सा? न्यूनतम तटीय सीमा कौन बनाता है? अब हम न्यूनतम की बातें कर रहे हैं कि न्यूनतम तटीय सीमा कौन बनाता है, तो यह है गोवा। गोवा बनाता है न्यूनतम तटीय सीमा, जो भी कितनी बनाता है, 9 किलोमीटर। कितनी बनाता है? 9 किलोमीटर। सर्वाधिक तटीय सीमा कौन बनाता है? नंबर एक पे गुजरात। कितनी बनाता है? 14-16। न्यूनतम कौन सा? गोवा। कितनी? 9 किलोमीटर। इसके बाद में ये जलीय सीमा थी, एक बार और देख लेते हैं जल्दी से। जलीय सीमा या तटीय सीमा है कहाँ से? गुजरात से लेके कहाँ तक? ये गुजरात से लेके यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक। कितने राज्य है? 9 राज्य है। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसके अलावा मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई इसकी कितनी है? 6100। द्वीपों सहित कुल कितनी है? 7516। अब याद कैसे किया था हमने? 5 और 1 6, 200 का आधा 100। यहाँ क्या करोगे? 6 और 1 7, 6 और 1 7, 6 में से 1 गए तो 5। फिर इसको उल्टा करके लिख दो, 1 ये 6 ये, आराम से याद हो जाएंगे तीनों चीज़ें। अगर आप याद करना चाहते हो, याद कब होता है? बहुत सारे बच्चे कहते हैं याद नहीं होता। अरे याद जब होता है, जब मजबूरी हो। आप याद करना क्यों चाहते हो? एक विजन होना चाहिए आपको। अगर याद करने की ज़रूरत है तो याद होता है। अगर कोई चीज़ अच्छी कब लगती है? जब हमें ज़रूरत होती है। हमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, परंतु कभी कभी, मतलब जैसे हमें बहुत ही भयंकर भूख लगी हुई है, इतनी भयंकर भूख लगी हुई है तो हमें कुछ भी खाने को दे दो, सारी चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। अब हमें बिल्कुल भी भूख नहीं लगी हुई, और कभी हमें जोरी से ही कहता है कि ये खा लो वो खा लो, तो हमें वो अच्छी नहीं लगेगी। अर्थात भूख होनी चाहिए। अगर आपको याद करना है, अगर आपको ज़रूरत है, आपको याद करके नौकरी लगना है, आपको सब्जेक्ट को क्लियर करना है, आपको इंटेलिजेंसी या आप उस सब्जेक्ट में मास्टरमाइंड बनना चाहते हो, तो आपको याद करना ही होगा। तो आसानी से आप याद कर लोगे। इसी प्रकार अब दूसरी सीमा के बारे में बात करते हैं, वो है स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा की बात करें तो कहाँ से लेकर के कहाँ तक है? गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक है। सबसे पहले बात करेंगे कितने देशों के साथ सीमा लगती है, तो 7 देशों के साथ लगती है। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है उत्तर पश्चिम में। कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम में। उत्तर में अफगानिस्तान, उत्तर पूर्व में फैला हुआ है चाइना, उत्तर में नेपाल है, भूटान है, पूर्व में बांग्लादेश है और पूर्व में ही म्यांमार है। इनके अलावा और बात करते हैं कि कौन कौन से देशों की कितनी कितनी सीमाएं लगती है और सीमाओं का नाम क्या है। सबसे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इनकी सीमाएं लगती है। सीमाओं के नाम की बात करेंगे, उससे पहले मैं ये भी याद करा देता हूँ कितनी कितनी लगती है। पाकिस्तान में आप याद रखना 33-10 किलोमीटर, 33-10 किलोमीटर, कहीं पे 33-38 किलोमीटर भी मिलेगा, परंतु सही 33-10 किलोमीटर ही है। अफगानिस्तान की बात करेंगे तो आप याद रखना 101 भी मिलता है, या 100 वर्ग किलोमीटर भी मिलता है, कहीं पे 81 वर्ग, आप 101 मानना। इसके बाद में चाइना की बात करें, 33 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 34, और 4 दूनी कितने होते हैं? 8। 33 में 1 जोड़ा 34 और 4 दूनी कितने होते हैं 8, तो ये हो गया 3400 किलोमीटर। वैसे 44 दूनी 88 होता है, पर आप 34 30 33 10 है 33 में 1 जोड़ेंगे 34 और 34 88, याद हो जाएगा। नेपाल, आप याद रखना नेपालियों से हमें खतरा है। किस बात का खतरा है? कि वो भारत में आकर के रोज़गार के अवसर तलाशते हैं
और भारत उन्हें मान्यता भी देते हैं, तो हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, उनके पास रोजगार, वो हमारा रोजगार छीन रहे। आपको याद करना है, हमें कोई खतरा नहीं है, बस याद करने के लिए, नेपालियों से हमें खतरा है। खतरा का मतलब सत्रह, सत्रह का मतलब क्या होता है, खतरा। तो एक तो आप याद रखना सत्रह, सत्रह मतलब खतरा है नेपाल से। अब खतरा है तो क्या करोगे, 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। खतरा है तो क्या करोगे, 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। तो ये हो गया किलोमीटर। तो ये हो गई नेपाल के साथ कितनी सीमा लगती है भारत की, 1751 किलोमीटर। भूटान की बात करेंगे, भूटान और नेपाल साथ साथ है, भूटान और नेपाल साथ साथ है, साथ साथ से 700 याद करोगे, 700। अब 700 तो पूरा लिखना मत, 699 किलोमीटर। भूटान 666 मतलब 1 6 नीच और 2 9 मतलब 777 ऐसे याद रखोगे। अब आगे चलते हैं तो आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश में आपको याद रखना है कितना, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। अब याद कैसे रखोगे कि यहाँ पे देखो 33 34 थे, है ना, 33 34, तो ये लाइन कहाँ जाके ख़त्म होती है, 40 पर। तो यहाँ लिख दोगे आप 4096, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश से इतने शरणार्थी भारत में आए थे कि ये जो पश्चिम बंगाल राज्य है, पश्चिम बंगाल राज्य है, ये कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल। तो ये पूरा का पूरा जो पश्चिम बंगाल है ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ऐसे याद रखना कि पश्चिम बंगाल में 100 में से 40 लोग कहाँ के हैं, 100 में से 40 बांग्लादेश के हैं, तो 40 याद हो गया। और पूरे भारत में बांग्लादेश के 100 में से, भारत के तो 96 ही हैं, 4 लोग कहाँ के, बांग्लादेश के। तो इस प्रकार 40 96 याद रह जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक बच गई हमारी कौन सी, म्यांमार। म्यांमार की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखना आप 1643 किलोमीटर, यहाँ कितना था 16। इससे ज़्यादा खतरा है म्यांमार से, इतना ज़्यादा नहीं खतरा, तो थोड़ा कम, तो 16 से एक कम किया, 17 से एक कम किया 16, और 51 से लगभग 8-10 कम किया, मतलब 43, 10 इससे कम, 1 इससे कम, ऐसे करके आप ये भी याद कर सकते हो। तो ये तो है लंबाई की बात। अब राज्यों की ओर बात आती है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पाकिस्तान के साथ बात कर लेते हैं हम कि पाकिस्तान के साथ में जो रेखा है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ। सर रेड क्लिफ नामक व्यक्ति ने 1947 में इसको खींचा था, मानचित्र के ऊपर खींचा था, कस्सी लेके मैदान में नहीं गया था, ठीक है। कब खींचा था, 14 अगस्त 1947 को, जब भारत का विभाजन से पहले। तो इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, और रेड क्लिफ रेखा कहाँ पे है, भारत और पाकिस्तान के मध्य है। रेड क्लिफ कोई और क्या नाम से जाना जाता है, सर्किट, इसे LOC, इसे कारगिल। तो सर्किट, LOC, कारगिल और रेड क्लिफ रेखा के ही नाम है। ये तो है पाकिस्तान के साथ। अब बात करते हैं अफगानिस्तान के साथ कौन सी सीमा लगती है। तो यहाँ पे जो सीमा लगती है उसका नाम है डोरंड रेखा। डोरंड रेखा अफगानिस्तान के साथ लगती है, और डोरंड रेखा है वो कितनी लगती है, 101 किलोमीटर। डोरंड रेखा प्रश्न आता है एग्जाम में कि डोरंड रेखा भारत के किन दो पड़ोसी देशों के मध्य है। तो पहले तो पूरी की पूरी जब पाकिस्तान, यहाँ तक भारत ही था, तो डोरंड रेखा किसके बीच में थी, ये जो डोरंड रेखा है, ये डोरंड रेखा है, ये डोरंड रेखा किसके किसके बीच में थी, भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। अब ये जो डोरंड रेखा है वो भारत के और अफगानिस्तान के बीच में तो इतनी सी रह गई, दो प्रमुख पड़ोसी देशों के बीच में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ डोरंड रेखा नहीं है, यहाँ भी है, पर प्रमुख ज़्यादा किसके बीच में, इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच में। चाइना के साथ जो रेखा लगती है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा, चाइना के साथ कहाँ से लेकर के कहाँ तक,
यहाँ से लेकर के यहाँ तक आती है, फिर यहाँ से यहाँ तक आती है, थोड़ी सी यहाँ लगती है, फिर यहाँ से यहाँ तक आती है। अब देखते हैं पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य है वो सीमा बनाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी, एक इतना सा याद रखना है, गुजरात लगाता है। क्या याद रखना है? गुजरात, गुजरात की सीमा लगती है पाकिस्तान से, इतना याद रखना है। और जो तय है उसको लिख देना पे, गुजरात। अब देखो चार याद हो जाएंगे आपको। नंबर एक है वो कौन सा है? गुजरात पाकिस्तान के साथ। नंबर दो है वो कौन सा है? जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर। नंबर तीसरा है वो कौन सा है? राजस्थान, आर एज। और नंबर चौथा कौन सा है? पंजाब। तो ये है पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले चार राज्य, गुजरात, गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। इसके अलावा अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाएगा जम्मू एंड कश्मीर, एक ही राज्य सीमा बनाता है जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद में चीन की बात करेंगे, चीन के साथ कौन कौन से राज्य है वो सीमा बनाते हैं। सबसे पहले बात करें जम्मू एंड कश्मीर बनाता है, उसके बाद में बात करें तो हिमाचल प्रदेश बनाता है, उसके बाद में बात करें तो उत्तराखंड, यूके का मतलब है उत्तराखंड, ये भी बनाता है। उत्तराखंड के बाद में बनाता है ये सिक्किम, और उसके बाद में एपी यानी अरुणाचल प्रदेश। तो चाइना के साथ जो सीमा बनाते हैं ये चार पाकिस्तान के साथ बनाते हैं, अफगानिस्तान के साथ एक, और चाइना के साथ पांच सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो आप याद कर सकते हैं, आज ही चीन से उतर के आया हूँ, आज ही चीन से उतर के आया हूँ। आज से कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश। जय, जय से कौन सा हो गया? जम्मू एंड कश्मीर। ही से कौन सा हो गया? हिमाचल प्रदेश। चीन के साथ बनाते हैं, से कौन सा हो गया? सिक्किम। उतर के से कौन सा हो गया? उत्तराखंड। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है आपको कि अब तक इन तीनों में जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य है जे एंड के, वो किन किन से सीमा बना रहा है? तीन से, एक तो पाकिस्तान से बना रहा है जे एंड के, जो सीमा बना रहा है वो पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान प्लस चीन, चाइना, तीन के साथ बनाता है। इसके अलावा नेपाल की बात करेंगे तो उत्तराखंड तो लगता ही लगता है, उत्तराखंड के अलावा और कौन से लगते हैं नेपाल के साथ? यूपी, बिहार और पश्चिमी बंगाल और सिक्किम। कितने हो गए? एक, दो, तीन, वेस्ट बंगाल चार और सिक्किम पांच। तो नेपाल के साथ भी पांच बनाते हैं। और आप याद करोगे कि नेपाली और बिहारी, कौन कौन? नेपाली और बिहारी यूपी के एसबीआई। ट्रिक्स क्या याद रखनी है? बिहारी, नेपाली व बिहारी यूपी के एसबीआई। तो नेपाल के साथ कौन कौन लगाता है? बिहार, यूपी से, उत्तर प्रदेश, यूपी के, इन तीनों से, उत्तराखंड, एस से सिक्किम और बी से बंगाल। कौन सा बंगाल? वेस्ट बंगाल। ये हो गया। इसके बाद में और थोड़ा भूटान की बात कर लेते हैं। तो भूटान के साथ चार राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की सीमा लगती है? चार राज्यों की। आप ट्रिक्स याद रखना, एस डबल ए बी साब। यहाँ पे से कौन सा हो गया? सिक्किम। एस से कौन सा हो गया? सिक्किम। ए से कौन सा हो गया? आसोम, आसोम। ए से कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश। बी से कौन सा हो गया? वेस्ट बंगाल।
वेस्ट बंगाल, तो ये चार लगते हैं किसके साथ, भूटान के साथ। इसके बाद में आगे है बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी सीमा लगती है, किस किस की सीमा लगती है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो लगती है किसकी, पश्चिमी बंगाल की, और पश्चिम बंगाल से के बाद में यहाँ किसकी सीमा लगती है, ये लगती है मेघालय की, किसकी लगती है, एम बराबर मेघालय की। हम जब जलवायु पढ़ेंगे तो यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो मेघालय में शिलोंग पठार है उस पर जा कर के टकराएगी गारो खासी जयंती पहाड़ियों पे, और सर्वाधिक वर्षा करेगी मासिनराम चेरापूंजी में, और वर्षा करके एक शाखा तो इसकी ब्रह्मपुत्र घाटी में चले जाएगी और एक असम की सूरमा घाटी में आ जाएगी। तो जो असम में इसकी जो सूरमा घाटी है वो यहाँ तक है, मतलब यहाँ तक असम ही है। तो देखो असम की सीमा भी किससे लगती है, बांग्लादेश से, और बांग्लादेश ने एकमात्र राज्य त्रिपुरा है जिसे तीनों ओर से घेर रखा है त्रिपुरा, और एक सीमा लगती है इसकी एम यानी म्यांमार से। तो पांच देशों के साथ बांग्लादेश की सीमा लगती है, कौन कौन सा है, पश्चिमी बंगाल नंबर एक सर्वाधिक सीमा, दूसरी लगती है मेघालय, तीसरी पे आती है असम, चौथे नंबर पे है त्रिपुरा, पांचवे पे है मिजोरम। ये लगती है किसकी, बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले भारत के राज्य। अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं वो देखो कि पश्चिम बंगाल भी है जो नेपाल के साथ, जो वेस्ट बंगाल है ये किन किन के साथ बनाता है, नेपाल